हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आ गई हूँ अनादर रेसिपी लेके, और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आज मैं बनाऊंगी घी केक। ये केक मैंने एक सोशल मीडिया साइट पे देखा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था कि घी के साथ केक बनाना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। सो मैंने सोचा कि ये मैं आज ट्राई करूंगी। तो हमेशा की तरह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सो मैं आ गई हूँ किचन पे और मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। सो मैंने सब कुछ ले लिया है। मैं एक एक करके मिक्स करूंगी और आपको बोलते जाऊंगी कि क्या क्या चाहिए इस घी केक को बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक कप मैदा लिया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं चीनी भी लूंगी। अब मैं ऐड करूंगी चीनी। ये मैंने बड़े कप का एक कप मैदा लिया है, तो छोटे कप का एक कप मैंने चीनी लूँगी। पहले आप ड्राई इंग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर ले, उसके बाद घी और दूध ऐड करेंगे। अब मैं ऐड करूंगी बेकिंग पाउडर और ऐड करूंगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैंने बहुत ही कम लिया है, एकदम नाममात्र और थोड़ा सा एकदम। इस केक में हमें वैनिला एसेंस की नीड नहीं है। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, पर मैं ऐड नहीं करूंगी। अब मैं ऐड करूंगी इसकी जो मेन चीज़ है, वो है घी। मैंने 4 टेबलस्पून यूज़ किया है। इसको मैं अच्छे से मिलाने के बाद इसमें ऐड करूँगी मिल्क। कोई भी ऐसी इशू नहीं है कि ये थोड़ा ज़्यादा कम हो गया तो ऐसा होगा। मिल्क आप अपने अकॉर्डिंग सोच समझ के ऐड कीजिए, जितने में आपको लगे कि नहीं मेरे केक का जो मेन बैटर है जैसे बनना चाहिए वैसा बन गया है, तो आप उतना ही अकॉर्डिंग इसमें मिल्क ऐड करें। तो किसी भी चीज़ की मैं पर्टिकुलर क्वांटिटी आपको नहीं बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करते करते बनाते जाइए और बहुत ही अच्छा बनेगा। इस पे मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी। जो ये केक का मिक्सचर है वो बनके तैयार हो गया। मैंने केक टिन तैयार कर लिया है और ये है मेरी केक टिन, और मैं अब इस बैटर को इसमें पोर कर दूँगी। ध्यान रखिए बैटर को ज़्यादा लिक्विड ही मत कीजिए, तो वो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और केक फट भी सकता है। सो मैंने सारा यहाँ पे ऐड कर लिया है और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टैप कर दूँगी, फिर मैं इसको हटा दूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। मैंने काजू और आलमंड्स लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश। पैन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट करके रखा है, और जो इंडक्शन का फ्लेम है उसको एकदम लो पे ही रखना, मतलब मैंने एकदम लो पे रखा है, आप भी बिल्कुल लो पे ही रखना। और मैं इसका लीड लगा दूंगी, लीड यहाँ से हवा नहीं निकल जाए इसलिए मैंने इसको पहले ही क्लोज कर दिया है। और इसको आप आराम से अब बैठा दीजिए एटलीस्ट 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद आके हम चेक करेंगे कि इसका क्या कंडीशन है। तब देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये बना है। ओ माय गॉड, मैं इसमें थोड़ा सा एक टूथपिक करके देखूंगी। ये पूरा तैयार, और मैं इसको बंद कर दूंगी। अब इसको आराम से निकाल लूँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा संभाल के। ब्यूटीफुल केक, ओ माय गॉड, आजा वो। अब देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, बट गर्म है, थोड़ा सा रख देती हूँ, थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसको कट करूँगी। तो अब देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और डिलीशियस सा लग रहा है देखने में। वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। वो बहुत ही अच्छा बना है, और सॉफ्टनेस देखिए इसका, कितना सॉफ्ट बना है। घी
घी का एक अपना ही अलग सा फ्लेवर आ रहा है। ऑसम, मतलब बहुत ही अच्छी है, आप घर पर इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।